और जनाब क्या लिखा है दोस्तों, आज का हमारा व्लॉग है, गलत थोड़ा सा खराब है, लेकिन आज का जो व्लॉग है हमारा वो डीसी साहब के ऑफिस जाएंगे। आटे का बहुत बोरा, आपको पता है महंगाई बहुत हो चुकी है, ठीक है, उसके बारे में हल करेंगे और आपने ज़रूर मुकम्मल वाच करना है, देखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अपने लोग को, ताकि सर की लेटेस्ट वीडियो, मज़ेदार वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और शुरू करते हैं अपनी न्यू वीडियो। कोई आटे शाटे फ्री कर देते और मेरा दिल डीसी साहब मिलने हैं हमारे। जी पीएम इधर है, ये उठाएं इधर, मेरे सर पर फेंने थोड़ा सा। आटे के सर से मैं कोई इधर आटा बेच रहा हूँ। दरवाजा खड़का है यार। ठक ठक। मेरे पास कोई वक्त नहीं है। 5, 4, 3, 2, 1। सुना कोई आटे शाटे फ्री कर देते हैं। हाँ लभद पैन मैं गिन ही आया। हाँ चार पांच छी गटू तो करा गए अगा हूँ कोई बात जरा आना चार पांच गटू मैं और बनाना बता लोगों एक नहीं लभद आ रहे तू पांच पांच छे लाई देना ला ला सफारो से अपनी है ना। हाँ अपना गिरावे तू तो दिखा ओ जी फिर से क्या ले क्या ले खरीद दे और धोती ले आना और धोती दे सिरो पा मैं पता है मैं तू देखा तू लाई लेन या ले धोती धोती तेरी यार आटे तो बड़ा बुरा है आज का। क्यों खैर मैं तो लेने लग लग के मर गए उसे किनू काट के ले आना। नहीं यार को हाल करो ना आटे दा इन तो आज काम नहीं ना चलना गरीब लोग किते जासे यार। मेरा दिल डीसी साहब मिलदे हम इनके इसने मैक के कंप्लेन कर दे भाई डीसी साहब को लगे मैंने आते मैं बात ने पास ते फोन करना हां तू कुछ नाम बैठा जे मेरे जाने ना लाना छक्का ते केड़ा तो कॉल कर आरिफ साहब। हेलो जी जी आरिफ भाई क्या हाल है। अच्छा मुर्शिद अरे बैठे हैं डीसी साहब साहब जी जी आप जूते किधर है जी। वो मेरे पीएम साहब जो है ना वो लेने गए। वो लेने गए हैं अभी बाजार गए। अच्छा नहीं नहीं शहरी दरवाजा खड़का है यार। ठक ठक ये सब को आया है भाई कोई आया भाई देख आओ। हां भाई के मसला डीसी साहब मिलना डीसी। अच्छा को मिलने आया है जी। आओ ना कोई आया जी आपसे मिलना है जी। फिर भी क्या काम है। वो आटे के सिलसिले में आए। आटे के सिलसिले में मैं कोई इधर आटा बेच रहा हूं। मेरे पास कोई वक्त नहीं है कि जो मैं बस बिजी। अच्छा जी यहां वहां जत बह रहो थोड़ी देर तक तो हम मिलते हैं। चलो मेहरबानी करो ना डीसी साहब बाहर बैठा दिया उनको। अब काफी की शक्ल वेट नहीं उनको देखे ना मैं कोई आटा बेच मैं आटा बेच रहा हूं कोई इधर बैठ के जो आटा लेने आए मेरे से आटा लेने आए हैं या वैसे को बात कर रहे हैं। डीसी साहब थोड़ी शफकत करें गरीब लोग हैं बेचारे आए हैं आपसे मिलने के लिए तो आप थोड़ा सा कर दें। अरे सुना क्या बुला लें। चले ठीक है बुला लें अपने। चलो चलो जी आ जाओ अंदर जी साहब जी। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है। मैं फिर आपके जूते लेकर आ रहा हूँ जी। ले ले जूते तो के ना पाकर भेड़े मुंह वाला रखे मैंने पता नहीं ये सब बुराना जो केक करना है इसको आप सीट नहीं ली मैंने सीट नहीं ली मैंने। अस्सलाम वालेकुम सर जी। तब्दीली आपसे तब्दीली इसे कहते हैं जिसे देखे हाँ हमारे वजीर आजम साहब कहते थे पिछले सबका वजीर आजम साहब की भाई सादगी अमन रहो अमन पसंद रहो इसलिए मैं जो है ना साहब की दोतार कर बैठा कि मेरी रिया जो है ना मेरे आके आके मुझे देखे और हमसे सबक हासिल करे। अच्छा जब आपके हुक्मरान अच्छे होंगे तो आप भी फिर हमारी तरह अच्छे रहेंगे जब हम भी इसी तरह रहेंगे। अपने नंबर दो कोई मसला ही नहीं तो जरा ना 20 किलो आटा तो कल तो
अरे चाह वैसे अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम आज हमने से जी अस्सलाम वालेकुम क्या डिटाग डिटाग अल्लाह पाक तो जी साहब दे टायर ही गए बे जी साहब कितने के दिन गाड़ी हो नसीब की वीर पीएम साहब लेन गए यार ए जी साहब का ढह गया ढक्कन जी साहब बात मेरी कदन ना जी डी साहब साथ की पसंद है अमन पसंद है तो कम ना है आप पर बकरीद पर इतने साथ की आपके अंदर है अच्छा इमरान खान का सपोर्टर है इमरान खान का सपोर्टर है सिगरेट आपने बड़ी घसी रखी हुई है ये यार वो ये ना हमारे प्राइम मिनिस्टर जो थे ना वो कहते थे आप अच्छा जो है ना अपनी आवाम के तरह जिस तरह आप अगर सादा रहेंगे तो आपकी आवाम भी आपको देख कर आपसे सबक हासिल कर रही है इसलिए दोस्तों हम डी साहब के दफ्तर आए बैठे हैं तो इनसे गुजारिश कर रहे हैं कि आटे का बुरान है थोड़ा सा काम कर दें गरीब लोग आए बैठे हैं तो आप डी साहब से रिक्वेस्ट किया आप देखें आप क्या करते हैं डी साहब तो आटे का बुरान निकाल निकाले हाल निकाल के दें बराए मेहरबानी ठीक है आपको जिस तरह है चल नहीं आपने क्या करना है 1000 रुपए का आटा है 2000 का आटा है आपको कम करना है या वैसे आपको ल्या कर देना है तो अपने पीएम से मिलते ही कम ही प्यार पीएम डी साहब मिल ही नहीं रहा मिल ही नहीं रहा आटा वो क्यों पता नहीं वो कहते हैं अभी है नहीं आटा मैंने कल अपने पीएम से कहा था वो कह रहा था कि हमने 8 हट्टू जो है ना हट्टू जो है मैंने दे दिए हैं आपको अच्छा तो फिर आप ये क्या करो ये तो फिर सरासर ज्यादती है फिर करप्शन है सरासर ये साहब आप हुक्म दें ना अपने पीएम साहब को कि हमें आटा दें वो कोई मसला नहीं है आप बेफिक्र होकर जाए घर अपने अच्छा। इंशाल्लाह रात को सोने के बाद आपके पास आटा सोने के बाद क्या बात है ठीक।